और हम बात करने वाले हैं आज के मैच की, जिसमें आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत आसानी से राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से मात दे दी और ये मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत लिया है। हैदराबाद ने राजस्थान को 8 विकेट से हराया। मनीष पांडे और विजय शंकर ने जो शतकीय साझेदारी की उसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी है। विजय शंकर ने भी नाबाद 52 रन बनाए और मनीष पांडे ने तो 80 से ज्यादा रन बनाए। रीमा, शानदार बैटिंग। जी हाँ, स्पेशली जब डेविड वॉर्नर और बेयरस्टो जो कहते थे जय वीरु की जोड़ी है वो वापस पवेलियन लौट गई थी, लेकिन उसके बाद बल्ला खामोश था विजय शंकर का भी और मनीष पांडे ने सिर्फ 150 किए थे और आज खेलिए मैच विनिंग नॉक्स, मतलब कमाल के वो नॉक थे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे आई है क्योंकि डू और डाई था एक तरह से एसआरएच के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आरआर का भी इसमें काफ़ी हाथ रहा है। खराब बॉलिंग चेंजेस मैं कहूँगी स्मिथ की तरफ से, कैप्टनसी से भी मैं थोड़ी सी निराश हूँ क्योंकि आर्चर ने 2 ओवर में 2 विकेट लिए, उसके बाद 3रा ओवर आपने उनको दिया नहीं जबकि स्कोर इतना था नहीं डिफेंड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी थोड़ी सी चूक हुई है स्मिथ से यहाँ। न्यूज़ और क्रिकेट का एक्सक्लूसिव डोज हर रोज, अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का YouTube चैनल, लॉग ऑन करें IPL2020.tv9bharatvarsh.com पर, जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज, पैनासोनिक इंडिया खास बासमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैम्पर्स।